यह है कि पुलिस विभाग में भी टेक्नोलॉजी को केवल अपने काम में ही नहीं अपनाया जा रहा, पर साथ साथ जो आपके दूसरे कार्य हैं, बिल्डिंग बनाने का, हाउसिंग का, उसमें भी आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी आवश्यकता है कि पुलिस कर्मियों को सुविधा मिले। आज समय में परिवर्तन हुआ है, देश में परिवर्तन हुआ है, विश्व में परिवर्तन हुआ है, सबकी नई नई और अलग अलग आशाएं हैं। जो हमारे छोटे पुलिसकर्मी हैं, अभी मैं फोटो देख रहा था इसके उद्घाटन के समय कि किस प्रकार के बस्ती में, किस प्रकार के मकान में ये रहते थे और आज इनको ये उपलब्ध हुए। ये एक पहला कदम है जो सरकार का नजरिया है कि हम पुलिस को जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे पाए हम दें। हमने तय किया था कि हम पुलिस कर्मियों को हफ्ते में एक दिन छुट्टी देंगे, हमने दी। इसी प्रकार जो विभिन्न सुविधाएं हैं, जो आज पुलिस कर्मियों की आशाएं हैं जो पहले नहीं होती थी, आज हमें इसे एहसास करना है और इन सुविधाओं की ओर बढ़ना है। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा स्थान है आज क्राइम में, क्राइम डिटेक्शन में। अभी डीजीपी साहब कह रहे थे कि जो अपराधी है वो भी टेक्नोलॉजी सीख जाते हैं, पुलिस उनसे एक कदम आगे कैसे रहे। तो हमें सावधान रहना है कि जो इसमें परिवर्तन हो रहा है, जितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, फेस रिकग्निशन में हुए, तरह तरह के कैमरा हुए, तरह तरह की साइबर टेक्नोलॉजी हुए, इस सब की बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे पुलिस विभाग की। और मैं एक बात जो हमेशा कहता हूं कि समाज गांव हो या शहर हो, समाज का जो कांटेक्ट, सबसे बड़ा कांटेक्ट पुलिस से होता है, संपर्क पुलिस से होता है। जब कोई वर्दी में देखता है, वो ट्रैफिक का पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, कोई यूनिफॉर्म में होता है, सब कहते हैं ये पुलिस है। और जब ये कहते हैं ये पुलिस है, पुलिस का जो रूप होना चाहिए, पुलिस का जो जो समाज के प्रति उनकी भावनाएं होनी चाहिए, ये भी दिखनी चाहिए। आज पुलिस का जो पब्लिक कॉन्टैक्ट है, इसमें भी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि समाज पुलिस की ओर देखे, एक सम्मान की तरह देखे, भय और डर की से ना देखे, पर सम्मान से देखे, क्योंकि पुलिस ही आज हमारी कानून व्यवस्था की रक्षक है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं यूके लाल जी को, जो इसके चेयरमैन है, हमारे पुलिस हाउसिंग के चेयरमैन है, जिनकी दिलचस्पी से इस तेजी में ये बनी। और मुझे उम्मीद है कि एक नई शुरुआत है, एक नया कदम है, केवल अपने इंदौर में नहीं पर मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर संभाग में ये एक कदम हुए, जिससे पुलिस कर्मी भी एहसास करें कि सरकार की नजरें, सरकार